राजनांदगांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठाकुर टोला टोल प्लाजा में जिले की पासिंग गाड़ियों को छूट नहीं देने से नाराज लोगों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की और फास्टैग लागू होने से राजनांदगांव पासिंग CG8 की गाड़ियों को मिलने वाली टोल की छूट खत्म कर दी गई है और उनसे भी फास्टैग के नाम पर टोल वसूला जा रहा है। यहां पर बनी फ्री लेन भी बंद है और इससे पहले भी 2 बार लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण मौके पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। महापौर हेमा देशमुख भी JCB लेकर टोल प्लाजा पहुंची और कुछ देर अपने दल बल के साथ धरना प्रदर्शन किया और JCB के माध्यम से टोल प्लाजा के बाजू में नया रास्ता बनवा दिया। नियम अनुसार एक टोल नाके से दूसरे नाके की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन दुर्ग और राजनांदगांव टोल नाके की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम है। ठाकुर टोला टोल में राजनांदगांव की जनता प्रदर्शन कर रही है। राजनांदगांव में पहले CG08 क्रमांक की गाड़ियों को स्थानीय गाड़ियों को टोल मुक्त रखा गया था, पर अचानक से फास्टैग के नाम पर जबरदस्ती की उगाही की जा रही है। राजनांदगांव निवासियों के द्वारा ठाकुर टोला टोल प्लाजा पर पहुंच करके और राजनांदगांव पासिंग वाहनों के आने जाने की सुविधा की मांग की गई। यहाँ जो है NHAI का और कोई प्रसंग नहीं था जो उनके निर्णय ले सके।